हरियाणा के उपमंडल शाहबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते एटीएम में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है, पर बताया जा रहा है कि बाहर जो फेसिंग की वायरिंग थी उसमें आग लगी, जिसकी वजह से जो एटीएम बूथ था उसमें आग लग गई। गरिमत ये रही कि एटीएम के अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान नहीं हो पाया। वहीं एटीएम में कितना क्या कैश था वो अभी तक बैंक मैनेजर के आने के बाद ही पता लग पाएगा। उसी के साथ कहीं ना कहीं जो आग लगने की वजह थी वो जो दमकल विभाग की तरफ से बताई जा रही है उनको सूचित किया था, तो दमकल विभाग की जब टीम पहुंची तो उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पाया और उन्होंने बताया कि जो वायरिंग अंदर आ रही थी उसमें शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। अब दमकल विभाग की टीम इस पर पूरी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सर्किट है, गर्मी के चलते शॉर्ट सर्किट हो रहा है और उसके चलते ही इस एटीएम बूथ में आग लगी थी। कर्मचारी जो वहाँ पहुँचे, बैंक कर्मचारियों ने भी बताया कि अब लगातार ऐसे ही हादसे पहले भी हो चुके हैं जो कुरुक्षेत्र के कई इलाकों में देखे जा सकते हैं। इसी को लेकर दमकल विभाग की टीम और अधिकारियों ने बताया कि अब बैंक मैनेजर आएंगे, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि कैश कितना था और इस एटीएम के साथ जो जुड़ा बैंक था वहाँ तक भी क्या खासा नुकसान पहुँचा है। सर, ये 2:48 के करीब की बात है, मैंने यहाँ पे देखा कि शटल के ऊपर से धुआं उठ रहा है, फिर मैंने अंदर जाके देखा पूरी आग लगी पड़ी थी, एसी फूक रहा था, एसी से ऊपर आग टपक रही थी। फिर मैंने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को कॉल किया, तो उसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पे आई और इतनी देर में सामने से मैंने फायर इग्निशन से लेके उस पर मारने की बहुत कोशिश की ताकि आग बुझ सके, बट आग ज़्यादा तेज़ थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया, फायर ब्रिगेड मौके पे आई, उन्होंने आग को बुझाया। और नुकसान इसमें हुआ था सर, उसमें अभी तो फिलहाल अभी चेक कर रहे हैं, अभी तो 2 AC हैं वो इंजर्ड हुए हैं, पूरी तरह जल गए हैं वो AC, बाकी अभी वो चेक कर रहे हैं सारे। ऊपर कैश अभी तो सर अभी कुछ रिवैल्यूएट नहीं किया, अभी मैनेजर साहब आए हैं, अभी वो चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे कितना को नुकसान हुआ है हमारा। कुरुक्षेत्र से कैमरामैन के साथ अनु सैनी, इंडिया हेड।